अभी भी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कमाल कर गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बुरी तरह से हारी बीजेपी। कर्नाटका में कांग्रेस को बहुमत लगभग स्पष्ट हो गया है। 224 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश में कांग्रेस को 134 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब उम्मीद कम है कि रुझानों और परिणामों में ज्यादा अंदर देखने को मिलेगा। नतीजे में पार्टी की बढ़त की खबर आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यात्रा के दौरान का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि मैं अजय हूँ, मुझे भरोसा है आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता को भारत जोड़ो यात्रा के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत को जनता जनार्दन की जीत का करार दिया है। जीत के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के दौरे का कर्नाटक के मतदाताओं पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह जीत अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्होंने विपक्ष से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया है। बाकी आपको क्या लगता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।